अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, मैं हूँ आपकी शमी। तो आज हम बनाने वाले हैं गार्लिक लेमन चिकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा नरम गोश्त चिकन का थोड़ा नरम गोश्त लंबे लंबे कट करके एक 1 किलो जितना ली हूँ। इसमें 1 स्पून हल्दी डाल रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। 1 स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करके 1/2 आवर के लिए रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। अब देखिए, एक पैन रखी मैं, पैन में 5-6 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। ये गार्लिक चिकन है ना, गार्लिक और लेमन का, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा गार्लिक। अब इस ऑयल को अच्छे से स्प्रेड करके पैन में मैं ये सारे पीसेस लंबे लंबे डाल लूँगी इस तरह। इसको अच्छे से पका लूँगी, एक फ्राई के जैसा कर लूँगी। देखिए, इस तरह टर्न करके दोनों साइड्स अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखिए पक रहा है। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ी देर पका के देखिए इस तरह अच्छे से पका लीजिए। अब इसमें 1 जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून ऐड करूँगी। ये लहसुन देखिए, थोड़ा लहसुन मैं कुचल कर डाल रही हूँ, 15 कलियाँ। 1 टेबल स्पून पेपर पाउडर डाली, काली मिर्च पाउडर। लहसुन को 15 कलियाँ कुचल कर डाली। अच्छे से मिक्स कीजिए लहसुन को। अब देखिए, ये हरी मिर्च को भी कुचल कर 4 हरी मिर्च को इसमें ऐड करी। अच्छे से मिक्स कीजिए। अब देखिए, दही 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी, गाढ़ा वाला दही। ये भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारे चिकन पर। अब थोड़ी देर ढककर पकाऊंगी, 10 मिनट्स। देखिए इस तरह बीच में हिलाऊंगी, एक बार हिलाकर अच्छे से इस तरह रोस्ट कर लूँगी। देखिए थोड़ा सॉल्ट ऐड करी मैं, थोड़ा फीका रहा तो। थोड़ा गरम मसाला डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए, थोड़ी हरिया धनिया डाल रही हूँ, कोथमीर, इसे भी अच्छे से मिक्स करके 2 लेमन जितना जूस निकाल कर डाली। अब देखिए, मैं यहाँ पे गार्लिक 1 कप जितना गार्लिक लेकर इसे अच्छे से बारीक कट कर डाली। हरी मिर्चों को 5 हरी मिर्च को बारीक कट करके इसमें डाली हूँ। 1 गार्लिक तो 1 कप ली थी। अब ये अच्छे से मिक्स करने के बाद ये लेमन को 2 लेमन्स को इस तरह स्लाइसेस में कट करके वो डाल रही हूँ। लेमन डालने के बाद पकाना नहीं है, जस्ट मिक्स कीजिए। गार्लिक को डालकर 5 मिनट्स पकाइए, गार्लिक और मिर्च को। लेमन को जस्ट मिक्स कीजिए। अब देखिए पक गया, अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। देखिए, 1 प्लेट में अच्छे से नीट से सर्व करी, ये बहुत टेस्टी रहेगा लेमन गार्लिक चिकन, और हेल्दी भी है ये। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत स्वाद भी रहेगा ये। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए, अपने रिव्यूज मुझे भेजिए। थैंक यू।